हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी आज मैं आपको कोश के बारे में मालूमात दूंगी जो आप लोगों को नहीं मालूम। चलें जी, आज आप बता दीजिए गोश्त के बारे में। चलें जी, ये दस्ती हाँ, ये दस्ती है और ये चाँप कुछ है काम है। और ये ये पुट है, कमर पुट भी है। कहते हैं और पुट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कमर भी कहते हैं इसको, अच्छा बैक और पुट भी कहते हैं इसको। अच्छा 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 ठीक है। और ये रान का गोश्त है। हाँ, ये रान का गोश्त है। सही। और इस ये क्या कहते हैं इसको? पसली। ये सीना, इसका रिब्स भी बनता है और क्रिस। अच्छा 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 चाप से तो चाप का सालन भी बनता है। हाँ, चाप भी सालन ही बनता है, चाप फ्राई भी बनती है। सही। और दस्ती से क्या क्या बन जाता है? दस्ती से कढ़ाई बन जाता है, कोरमा बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, सब चीज़ बन जाती है। बस खाली बोटी बनाने का स्टाइल अलग होता है। सही। कढ़ाई की सबसे छोटी बोटी होती है, कोरमे की उससे बड़ी होती है, और बिरयानी की उससे बड़ी होती है। सही। और कुन्ना बनाया तो उसकी थोड़ी सी और बड़ी होती है। मजीद मसालों का फर्क आया था, गोश्त यही की होता है सब। वो रान का गोश्त है। ये रान का अदले, ठीक है, ये रान है, ये रान है, ये रान है। रान से निहारी, रान में से नहारी निकल जाती है, नहारी का पीस अलग निकल जाता है, बाकी बीच में से जो है वो बोनलेस निकलती है। उसकी जो मर्जी बना ले, कढ़ाई बना ले, पसंदे बना बना ले, कीमा बना ले जी। और वो भी दिखा दें, गुर्दे भी। गुर्दे भी देखेंगे, गुर्दे हैं, ये गुर्दे होते हैं, ये गुर्दे होते हैं जी। चलिए जी, शुक्रिया आपने बताया जी। आप देख रहे हैं ये दुम्बा कितना माशाल्लाह सेहतमंद है। आप हमेशा ऐसी जगह से गोश्त लें जहाँ पे सफाई सुथराई का इंतजाम। माशाल्लाह, किसी ने घर के पले हुए? अच्छा, दुम्बे के गोश्त हर कोई खाना पसंद नहीं करता, हालांकि बहुत ताकतवर और चर्बी वाला इसका गोश्त होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है इसका। इसमें इसकी स्पेशल डिश जो है ना, इसका दुम्बे का गोश्त का आप पुलाव बनाएं या रोश बनाएं। ये चाँप है, ये चाँप का गोश्त है। चाँप के गोश्त से जो आप डिशेस बना सकते हैं वो चाँप फ्राई है सबसे पहले तो, और आप इसका कोरमा बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसका शोरबा भी बहुत अच्छा बनता है। ये पुट है, बकरे के गोश्त में पुट का गोश्त और जो गर्दन का गोश्त है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और बकरे के गोश्त में जितना ऊपर का ज़मीन से जितना ऊपर जानवर होगा उतना जो है ना उसका गोश्त ताकतवर होगा। तो गर्दन और पुट जो है उसका गोश्त का शोरबा बने या क्या कहते हैं सालन बने तो वो ज़्यादा ताकतवर गोश्त होता है। तो मरीज़ों को भी जो है अगर गर्दन या पुट के गोश्त का शोरबा बना के दिया जाए तो उसको ताकत महसूस होती है, और जिसमें होमोग्लोबिन की कमी हो उनको भी जो है पुट का गोश्त और गर्दन के गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। ये राने है, राने। रान और दस्ती के गोश्त से आप जो डिशेस बना सकते हैं वो कुन्ना है और निहारी है, आप कढ़ाई और मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। आप पसंदे का गोश्त या बोनलेस भी निकलवा सकते हैं रान में से। ये बकरी की सीनी है और ये पाए हैं, लोग जो है वो सीनी पाए एक साथ भी पकाते हैं और खाना पसंद करते हैं सर्दियों में। और बकरी का गोश्त लेते हुए ख्याल रखें कि आप जो गोश्त ले रहे हैं वो छोटे जानवर का हो, और छोटे जानवर के गोश्त की पहचान ये है कि वो गुलाबी रंगत होगी उसकी और उसमें चर्बी कम होगी, और जितना छोटा जानवर होगा वो गलने में आसान होगा, जल्दी गल जाएगा, और बड़ा जानवर होगा उसकी पहचान ये है कि वो उसकी सुर्खी माइल रंगत होगी, उसमें चर्बी भी ज़्यादा होगी और वो देर से भी गलेगा। छोटा जानवर जो है वो गज़ाइत में भी अच्छा होता है, उसके
का टेस्ट भी अच्छा होता है। निहारी की पीस अलग कर दी है। पाए कैसे दे रहे? 1200 रुपये। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ना कीमा निकाल दीजिएगा। अच्छा, और पसंदे निकाल सकते हैं? हैं? हाँ, ये आधा किलो के करीब पसंदे निकाल दीजिएगा। पसंदे का गोश्त पीसेस बनवाए हैं। पसंदे का गोश्त आप रानी से निकलवाएं तो बासानी निकल आता है। पसंदे का पीसेस है। यो, क्या करूं? कीमे का गोश्त हमेशा जो है सीने से मुंसलिक पर्दे के गोश्त का ही निकाला जाता है और ये नहायत ही मज़ेदार और लजीज होता है। आप मशीन के ज़रिए भी कीमे निकलवा सकते हैं और हाथ का भी कीमा निकलवा सकते हैं। आप जैसा चाहें उस तरह निकलवाएं। बस इस बात का ख्याल रखें कि मशीन साफ़ हो और हो सके तो दुकानदार से कहें कि एक दफ़ा उसको पानी से धो लें गोश्त को। ये दिल कलेजी क्या किया तुमने? फेफड़े कलेजी और ये पाए गुर्दे। आप गुर्दे और दिल कलेजी इससे कटाकट भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।